व्हाट्स अप गाइस, दिस इज नवीन। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए टॉप 3 iOS 17 थीम लेकर आ चुका हूँ, जिसके अंदर आपको लॉट ऑफ फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जिनको आप बाद में अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल में नए हो, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो यार सब्सक्राइब मारो, क्योंकि ऐसी वीडियोज आपको आगे भी मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट थीम जिसका नाम है ZOO, सिंपल इसको डाउनलोड मारने अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई हो जाने के बाद आप इसका लुक देख सकते हो, कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। जो आइकन्स है ये आपको थोड़े कॉर्नर से राउंड देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफी ब्यूटीफुल आइकन्स है। नीचे में आपको एक डॉग बार भी देखने को मिल जाता है, एंड ऊपर आपको हमें कुछ इस टाइप की विजिट देखने को मिल जाती है, जिनको आप बॉटम में डबल टैप करके इनको आप चेंज कर सकते हो। एंड दोस्तों, इन विजिट की एक और खास बात है कि आप इनको एक्सपेंड भी कर सकते हो, जिसकी आप देख सकते हैं एनिमेशन हमें कुछ इस टाइप की देखने को मिल जाती है। ऊपर हमें एक डायनेमिक आइलैंड का कटआउट देखने को मिल जाता है, बाकी इसके अंदर आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलता। कंट्रोल सेंटर की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है, जो कि काफी ब्यूटीफुल कंट्रोल सेंटर है। एंड ये दोस्तों आपको ब्लर इफेक्ट के साथ देखने को मिल जाता है। सेटिंग की बात करेंगे तो सेटिंग आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप की देखने को मिल जाती है। इतनी कुछ खास सेटिंग नहीं है, बट दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ जो आइकन्स है ये आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिल जाते हैं। बट दोस्तों, जब आप यहाँ से डिस्प्ले के अंदर जाते हैं एंड डार्क मोड को इनेबल करते हैं, तो इसका जो UI है वो कम्प्लीटली आपको चेंज देखने को मिल जाता है। एंड आप देख सकते हैं जो अब इसके आइकन्स है ये आपको कम्प्लीटली iOS वाले देखने को मिल जाते हैं। एंड आप देख सकते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल जो UI है इसका वो देखने को हमें मिलता है। एंड दोस्तों, जब आप यहाँ से नोटिफिकेशन के अंदर जाते हैं, जो कंट्रोल सेंटर आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो इसका स्टाइल है ये भी आपको यहाँ पे, जो इसका UI है वो भी आपको चेंज देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों, जब आप यहाँ से अंदर जाते हैं तो इसमें आपको नॉर्मल UI देखने को मिलता है, बट दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ऑसम है। इसी तरीके से जब आप यहाँ से डायलर को ओपन करते हैं, तो जो इसका UI है ये भी आपको यहाँ पे कम्प्लीटली चेंज देखने को मिल जाता है। एंड इसका जो UI है वो भी आपको iOS वाला देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों, जो बैकग्राउंड में वॉलपेपर है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है, एंड इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। एंड दोस्तों, इस थीम का जो सबसे हाईलाइट फीचर है वो दोस्तों इसकी लॉक स्क्रीन है, जो आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप के इफेक्ट के साथ देखने को मिल जाती है। ऊपर हमें एक डायनेमिक आइलैंड देखने को मिल जाता है, एंड स्वाइप डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको स्टैंड बाई मोड देखने को मिल जाता है, जो कि काफी सारे लॉक स्टाइल के साथ आता है। तो जब आप यहाँ से राइट साइड से स्वाइप डाउन करते हो, तो आपको यहाँ पे iOS वाला कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है। जो आप देख सकते हैं जो इसका UI है वो आपको यहाँ पे iOS 17 वाला UI देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों, यहाँ पे ये कम्प्लीटली वर्किंग है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैश लाइट ऑन हो गई। बाकी दोस्तों, आपको यहाँ पे इसमें AOD वाला जो फीचर है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर कुछ इस टाइप की जो विजिट देखने को मिल रही है, ये मैंने दोस्तों इसको कस्टमाइज कर रखा है। बाकी आपको बॉटम में यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन के शॉर्टकट्स देखने को मिल जाते हैं, जिन पर आप प्रेस एंड होल्ड करके इनको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। एंड नीचे आपको एक फोकस मोड देखने को मिल जाता है, एंड दो शॉर्टकट्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको एक और खास फीचर देखने को मिलता है, जब भी आप यहाँ पे अपनी फिंगर को मूव करते हो, तो आपको यहाँ पे एक जेस्चर इफेक्ट देखने को मिल जाता है, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग इसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आप पूरी लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, तो सिंपल आपको यहाँ पे बॉटम पे डबल टैप करना है। एंड आप देख सकते हैं हमें काफ़ी सारे जो फीचर्स है वो देखने को मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं इसको 1x1 चेक करके आप काफ़ी सारे जो फीचर्स है वो देखने को मिल जाते हैं। एंड दोस्तों, जब आप यहाँ से वॉलपेपर के अंदर जाते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे iOS वॉलपेपर का एक सेक्शन देखने को मिल रहा है, जिसको मैंने इनेबल कर रखा है। एंड आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे काफ़ी सारी जो वॉलपेपर है वो देखने को मिलती है। एंड अगर आप इसको ऑफ कर देंगे, तो आप देख सकते हैं अब हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप की डिफॉल्ट वॉलपेपर देखने को मिल रही है, जिनको आप यहां से कॉर्नर में डबल टैप करके इनको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट थीम की। एंड हमारी सेकंड थीम जिसका नाम है CJ V6, तो सिंपल इसको डाउनलोड मारने अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई होने के बाद आप इसका लुक देख सकते हो, कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। जो आइकन्स है ये भी आपको यहाँ पे कम्प्लीटली चेंज देखने को मिल जाता है, जो कि काफी ब्यूटीफुल आइकन्स है। बाकी बैकग्राउंड में जो वॉलपेपर है ये भी काफी जबरदस्त है, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऊपर विजिट देखेंगे तो आपको यहाँ पे डिफॉल्ट विजिट देखने को मिल जाती है, इसके अंदर आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलता। एंड दोस्तों, अगर कंट्रोल सेंटर की बात करेंगे, तो ये भी आपको यहाँ पे डिफॉल्ट मिल जाता है, इसके अंदर भी आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलता। की बात करेंगे तो सेटिंग आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप की देखने को मिल जाती है। जो इसके आइकन है ये भी आपको यहाँ पे कम्प्लीटली चेंज देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों, जब आप यहाँ से डायलर को जाते हैं, तो डायलर भी आपको यहाँ पे कम्प्लीटली चेंज देखने को मिल जाता है। बट दोस्तों, इतना कुछ खास डायलर नहीं है, बट आपको चेंज देखने को मिल जाता है। बाकी इस थीम का जो हाईलाइट फीचर है वो दोस्तों इसकी लॉक स्क्रीन है। एंड आप देख सकते हैं जो लॉक स्क्रीन हमें कुछ इस टाइप के इफेक्ट के साथ देखने को मिल जाती है। ऊपर हमें एक डायनेमिक आइलैंड देखने को मिल जाता है, एंड स्वाइप डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको स्टैंड बाई मोड देखने को मिल जाता है, जो कि काफी सारे लॉक स्टाइल के साथ आता है। दोस्तों, अगर आप स्क्रीन पर डबल टैप करते हो, तो यहाँ पे आपका AOD मोड है वो भी आपका एक्टिवेट हो जाता है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें कुछ इस टाइप का जो ये कॉर्नर से इफेक्ट आ रहा है, या फिर आप जो ये विजिट दिख रही है, ये सब मैंने कस्टमाइज कर रखा है। बाकी आप भी इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। बाकी नीचे में आपको यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन के शॉर्टकट्स देखने को मिल जाता है, जिनको प्रेस एंड होल्ड करके आप इनको कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड उसके नीचे मिलता है हमें एक फोकस मोड एंड दो शॉर्टकट्स।
एंड अगर आप इस पूरी लॉक स्क्रीन को अगर कस्टमाइज करना चाहते हैं तो सिंपल आपको यहाँ पर प्रेस एंड होल्ड करके रखना है एंड आप देख सकते हैं हमें काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जिनको आप दोस्तों वन बाई वन चेक कर सकते हैं। एंड आपको यहाँ पर कुछ डिफॉल्ट वॉलपेपर भी देखने को मिल जाती है जिनको आप अपने अकॉर्डिंग इसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको इफेक्ट का एक ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि काफ़ी सारे इफेक्ट है जो पे मैंने अप्लाई किया हुआ है, एक फायरफ्लाई इफेक्ट एंड एक मीटियोर इफेक्ट। बाकी आप भी अपने अकॉर्डिंग जो सा मर्जी आप वो वाला इफेक्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अपनी फाइनल थीम की, फाइनल लास्ट थीम जिसका नाम है पाथवे। सिंपल को डाउनलोड मारने अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई हो जाने के बाद आप इसका लुक देख सकते हो, कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। जो आइकन्स है ये भी आपको यहाँ पे कम्प्लीटली चेंज देखने को मिल जाता है एंड जो इसके नीचे आप देख रहे हैं जो टेक्स्ट देखने को मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल देखने को मिलता है। बट दोस्तों जब आप यहाँ से अपने डार्क मोड को इनेबल करते हो जो इसका टेक्स्ट है वो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लार्ज देखने को मिल जाता है एंड जिसकी वजह से जो इसका यूआई है वो आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कुछ इस टाइप की विजेट देखने को मिल जाती है जिसके ऊपर मिलता है डायनामिक अलाइन, जब भी हम कोई सॉन्ग या फिर वीडियो प्ले करते हैं तो उस टाइम ये एक्टिवेट हो जाता है। बाकी इस विजेट की एक और खास बात है कि आप इसको बॉटम में डबल टैप करके इसको चेंज कर सकते हैं एंड आप देख सकते हैं जो इसका यूआई है वो आपको यहाँ पे टिल टाइप में देखने को मिल जाता है जो कि आपको कुछ इस टाइप के एनिमेशन भी इसमें देखने को मिल जाती है। एंड अगर आप यहाँ पे अगेन डबल टैप करते हो तो आपको जो विजेट स्टाइल है वो आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप की देखने को मिल जाती है जिसको आप बॉटम में डबल टैप करके इनको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं एंड ये दोस्तों दोनों में ही वर्क करता है। पर दोस्तों इस विजेट की एक और खास बात है कि आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं जिसका यूआई आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से एनिमेशन हमें इसके अंदर देखने को मिल जाती है। सेंटर की बात करेंगे तो वो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे काफी जबरदस्त कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है। जो इसका यूआई है वो आपको यहाँ पे थोड़ा ग्रेइश देखने को मिलता है एंड इसके जो टॉगल्स है ये भी आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिल जाते हैं। बाकी दोस्तों आप यहाँ पे बैकग्राउंड में जो वॉलपेपर देख रहे हैं ये मैंने अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज करके चेंज किया है, बाकी आप भी ऐसे ही अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। बाकी अगर आप सेटिंग में जाएंगे तो सेटिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डिफॉल्ट देखने को मिल जाती है एंड अगर आप डायलर के अंदर जाते हैं तो डायलर भी आपको यहाँ पे डिफॉल्ट देखने को मिल जाता है। पर दोस्तों जो इसकी लॉक स्क्रीन है वो उसके अंदर भी आपको यहाँ पे डिफॉल्ट देखने को मिल जाती है, पता नहीं ऐसा इन्होंने क्यों किया है, आपको यहाँ पे कुछ चेंज देखने को नहीं मिलता। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करना ताकि वो भी अपने बोरिंग फोन को यार कस्टमाइज कर सके। बाकी आप देख सकते हैं इस थीम के अंदर जो आपको कंट्रोल सेंटर है एंड विजिट है वो काफ़ी ज़्यादा ऑसम देखने को मिल जाती है, तो आप ऐसे ही एक सेटअप तैयार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।